जय हिंद मेरे दोस्त, आप सब कैसे हैं? हमें ऐसा नहीं पूरा विश्वास होगा कि आप सब कुशल होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आइए आज हम एक न्यू प्रश्नावली शुरू करेंगे जो होगा 3.1, यानी उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है इसमें, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर बाबू एक्स वर्ष तथा आफ्ताब की आयु बराबर वाई वर्ष, इसलिए प्रश्न में कह रहा है कि आफ्ताब का जो है, इसने दिया है क्वेश्चन में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे क्या कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर x-7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु y-7 वर्ष। बाबू कोई दिक्कत? अब लिखेंगे दूसरा स्थिति में, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कह रहा है, तब यहां पर जो है लिखेंगे हम लोग 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु x+3 वर्ष। बाबू यह बात कह रहा है तो यह प्लस में होगा, और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु यानी y+3 वर्ष, इसलिए। अब देखिए बाबू, यह जो है x-7, यहाँ पर y- कितना है? 7, तो लिखेंगे x-7 बराबर y-7। यह जो है आफ्ताब कै गुनी आयु का है? 7 गुनी आयु, तो इसमें 7 से गुना कीजिए, 7 से x में गुना करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा आपको, 7 से x में गुना करेंगे तो 7x-7 = 49 बराबर y-7, या 7x बराबर नहीं करेंगे बाबू, प्लस y को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, बराबर -7 है, -49 उधर जाएगा बाबू तो +49, या 7x-y = 42 समीकरण नंबर बाबू कितना हो गया? 1 लिखेंगे। अब दूसरा स्थिति में, अब बाबू इसमें आ जाओ, इसमें जो है कह रहा था 3 गुना, क्या कह रहा था इसमें? 3 गुना, तो लिखेंगे x+3 = y+3, या 3 गुना आयु का रह जाएगा, तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x+3 यही 9 बराबर y+3, या 3x+y इधर आएगा तो -y, 3y+9 इधर आएगा तो -9, या 3x-y = 9 में से 3 गया तो -6,
समीकरण नंबर बाबू कितना हो गया, दो। कितना आया था, 7x माइनस आया था, 7x माइनस y बराबर बाबू कितना आया था, 42 आया था। यह समीकरण कितना था, एक था, और दूसरा का समीकरण था 3x माइनस y बराबर कितना, 6। समीकरण नंबर बाबू कितना हो गया, दो हो गया। तो अब लिखेंगे अब समीकरण एक से 7x माइनस y बराबर 42 या 7x बराबर 42 माइनस y इधर आएगा तो प्लस y या x बराबर 42 प्लस y बटा बाबू 7। अब इसका जो है यहाँ पर हम लोग बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, और y का मान बाबू 0 रखते हैं तो 0 और 42 जोड़ेंगे तो 42, और 7 से भाग देंगे तो 7 × 42। अब बाबू जो है यहाँ पर अगर y का मान हम कितना रख लेते हैं तो 42 के बाद में y का मान अगर 7 रखते हैं तो 42 × 7 = 49, और 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 = 49। अर्थात मेरे कहने का मतलब है बाबू इसका मान ऐसा सोच समझ कर रखना है कि इससे जुड़ने या घटाने पर और इससे भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। लिखेंगे अब समीकरण 2 से 3x माइनस y = 6 या 3x = 6 + y लिखेंगे या x = 6 + y बटा 3 हो गया। अब यहाँ पर भी जो है y का मान सोच समझ के रखना है। यहाँ पर मान लीजिए x और यहाँ पर हो गया y, अगर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6, और 6 से 3 में भाग देंगे तो 3 × 6 हुआ। अगर y का मान 1 रखेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, नहीं पूरा पूरी भाग लगेगा। 2 रखेंगे तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा, पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3, तो 6 × 3 = 9 × 3 से भाग देंगे तो 3 × 3 = 9। अब इसका जो है हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसे आप लोग कॉपी कीजिए तब तक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। यानी कह रहा है यहाँ पर ये क्रिकेट टीम की कोच है जिन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंद जो है 3900 रुपये में खरीदा, और 1 बल्ला और 2 गेंद जो है और 2 गेंद जो है 1300 रुपये में खरीदा। इसी को हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 बल्ले तथा 1 गेंद का मूल्य एक्स और वाई रुपया है, इसलिए 3 बल्ला और 6 गेंद तो लिखेंगे 3x + 6y बराबर बाबू हो जाएगा 39। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। अब कह रहा है 1 बल्ला तथा 2 गेंद तो x + 2y बराबर 1300 रुपया। समीकरण नंबर बाबू 2 तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से 3x + 6y बराबर बाबू दिया 3900। लिखेंगे या 3x = 3900 + 6y बाबू जो होता है इधर आ जाता है माइनस में तो -6y या x = 3900 - 6y अब बाटा में बाबू 3। अब इसका जो है यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे x और बाबू क्या लिखेंगे y। अब y का मान जो है यहाँ पर ऐसा रखना है कि इस मान से और इसमें गुना करके और इसमें घटा के 3 से भाग दिया जाए तो बाबू पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले मान भी बड़ा रखेंगे तब तो हो पाएगा ना। तो अगर रखते हैं यहाँ पर मान 650, कितना रखते हैं बाबू
6.5 यानी 650। तो 650 से या 6 में गुना करेंगे तो 6 4 3600 और 5 4 30 3600 3 3900 और 3900 से 3900 में कटा देंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, यानी 3900 से 3900 कट जाएगा तो एक मर्त में कट जाएगा। यानी तो यहाँ पर अगर 6 से 6 में गुना करते हैं तो 600 6 के 3600 और 5 6 30 तो यानी 3900 हो गया। तो 3900 में 3900 गया तो 0 हो गया, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब अगर इसका मान रखते हैं 400 तो 400 से 6 में गुना करेंगे तो 6 6 का 2400 और 3900 में 2400 घटा दीजिए तो कितना हो गया, मान लीजिए 3900 -2400 तो 0 0 9 में 4 गया 5 और 3 में से 2 गया तो 1 यानी 1500। अब 1500 से 300 में भाग देंगे तो 500 मर्त्र कट जाएगा, यानी इसका मान रखे 400 और इसका मान आ गया 500। लिखेंगे अब समीकरण 2 से क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300 या x बराबर 1300 अब प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y। अब यहाँ पर भी जो है बाबू हम लोग को सोच समझ के मान रखना है। आइए ये हो गया x और ये हो गया कौन सी y, कोई दिक्कत, जब x और y हो गया तो यहाँ पर भी मान हम सोच समझ के बाबू रखिए। और मान लिया जाए कि y का मान रख लेते हैं फिर वही 650 तो 600 2 12 1 1300 1300 में से 1300 गया तो कितना हो गया 0, यानी इसका मान रखे कितना 650। तो यहाँ पर भी आ गया बाबू कितना 0, किसी के कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए अगर इसका मान बाबू 300 रखते हैं तो 300 2 600 और 1300 में से 600 गया तो कितना हुआ 700, कितना सौ हुआ बाबू 700, यानी इसका मान हम कितना रखे थे 300 रखे थे, कितना रखे थे हम 300 और 300 2 600 13 में से कटा दिए तो यहाँ पर आ गया 700। अब इसको जो है बाबू हम लोग ग्राफिया विधि से हल करेंगे, आप लोग इसको तब तक कॉपी कीजिए।